गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 12th क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर डिस्कसिंग लेसन नंबर 2, सॉल्यूशंस, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने सारी टर्म डिस्कस कर ली थी कि जो थियोरेटिकल प्रेशर है आपका वो हमेशा ऑब्जर्व्ड प्रेशर के इक्वल होता है और डेल वी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, डेल एच की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के किसके इक्वल होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके जो सॉल्यूशन बना है उसके इक्वल होता है, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये आइडियल का, नॉन आइडियल इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जो प्रेशर थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ठीक है, और थ्योरेटिकल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। अब इक्वल टू आपस में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, या तो एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा। जब थ्योरेटिकल प्रेशर आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर से ज़्यादा होता है, दो केस आएंगे, जब आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल से ज़्यादा होता है, ठीक है, जब आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये आएंगे नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम रॉल्ट लॉ, ये आएगा पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम रॉल्ट लॉ, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, थ्योरेटिकल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्रेशर। अब देखो ये होता किस केस में है, ये किस केस में होता है, अगर मान लो आपका क्या है ए सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, ए ए ए बी सॉरी बी बी, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया ए ए, अब ये क्या कर रहे हैं, ए के पार्टिकल बी के पार्टिकल से हेट करते हैं, दे हेट ईच अदर, लाइक नहीं, उनका नेचर एक जैसा नहीं है। अगर मान लो एक बच्चा बहुत शांत है, एक बच्चा बहुत झगड़ने वाला है, उन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से परेशान रहेंगे, दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे हमारी 12th क्लास में बच्चे हैं एक साथ बैठ के पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल जो अडल्ट हैं, थोड़े अडल्ट नहीं है वो, यंग हैं, ठीक है, वो एक साथ एक दूसरे के साथ समझौता करना पसंद नहीं करते। इसी तरह से ये दोनों ए और बी एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करना चाहते, ये दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, भाग रहे हैं तो क्या होगा, इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ना, क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पार्टिकल जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये गैस फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगा ना, वेपर फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगा ना, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये इसमें केस आ गया पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम रॉल्ट लॉ, ऑब्जर्व्ड प्रेशर किससे, थ्योरेटिकल प्रेशर से ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, जब ए और बी यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरे को धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली डेविएशन शो करेगा रॉल्ट लॉ से। रॉल्ट लॉ क्या था आपका, ये था ना, रॉल्ट लॉ ध्यान से देखिए, ये था, हमने ये डिस्कस किया था इस तरह से, ये क्या था आपका प्रेशर और ये क्या था मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ से इसको ज्वाइन किया था हमने, पॉजिटिव डेविएशन होगी रॉल्ट लॉ से ऊपर की तरफ, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, ज़्यादा वैल्यू एक्स्ट्रा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, रॉल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, रॉल्ट लॉ से जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि ऊपर की तरफ वैल्यू आएगी इसकी,
ठीक है, ऊपर की तरफ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव डेविएशन दिखाया था ना मैंने आपको ये करके, पॉजिटिव डेविएशन शो होगा ये रॉल फ्लो से। यहाँ प्रेशर है और यहाँ आपका मोल फ्रैक्शन लिया था हमने, ये रॉल फ्लो के अकॉर्डिंग क्या था, ये रिपेल कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, तो ऑब्जर्व्ड से ऑब्जर्व्ड ज़्यादा है, जितना ऑब्जर्व किया वो ज़्यादा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल था जो हमें। अब नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा आपका, नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो आपका ये ए और ए है, बी और बी है, इन दोनों की आपस में होगी लड़ाई, ठीक है, ये एक ही बेंच पे बैठा करते थे, इनकी लड़ाई होगी आपस में, और ये जा करके ए आपस में बैठ गए, ए और बी, ठीक है। अब दे लव ईच अदर, मतलब ये उनको एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या थी रिपल्शन, पहले रिपल्शन ज़्यादा थी तो वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही वो ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बने तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, इनके बीच में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जितने स्ट्रांगली पार्टिकल एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं उतना ही उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है दूर दूर पहुंचाने के लिए, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, स्पेस बढ़ेगा तभी तो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है। जैसे आपके सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, उसको दूर करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और दूर करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, जितना स्पेस बढ़ेगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स का होता है, गैस फॉर्म का होता है, ठीक है। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं था जितना आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में है, तो जितना आपने ऑब्जर्व किया और जितना था उससे काफ़ी कम आया, मतलब पहले जितना था उससे काफ़ी कम वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन शो हो रही है यहाँ पे, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि यहाँ क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन थी ना यहाँ पे ज़्यादा है, ए और बी के बीच में ज़्यादा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, वेपर प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया। अब हम ये अगर इस तरह से आपका रॉल फ्लो का ग्राफ था प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन तो ऊपर की तरफ थी, यानी कि वैल्यू बढ़ रही थी ना जितनी वैल्यू है उससे, नेगेटिव डेविएशन क्या होगी डिक्रीज, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर्व शो होगा इसका, ठीक है, नीचे की तरफ, ये है नेगेटिव डेविएशन, क्या है ये नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिवली डेविएटेड और नेगेटिवली डेविएटेड, दो तरह के लिक्विड हो गए ना आपके नॉन आइडल में, पॉजिटिवली और नेगेटिवली डेविएटेड, दो तरह के लिक्विड हो गए। अब इनमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली डेविएटेड जो होते हैं उनमें फिर डेल वी और उसकी वैल्यू भी सब दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम, डेल वी वाला, ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं डेल वी वाला, नेगेटिवली डेविएटेड और पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। नेगेटिवली डेविएटेड एंड पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस और पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, ये भी नॉन आइडल है, नॉन आइडल का ही चल रहा है ये हमारा। अब नॉन आइडल में क्या है, वो प्रेशर ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो एक कम एक ज़्यादा होगा, दो कंडीशन बनेंगी, एक कम एक ज़्यादा, फिर ये कम ये ज़्यादा, ठीक है। तो जब थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा तो नेगेटिव डेविएशन, ऑब्जर्व्ड ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, किससे, रॉल्ड लॉ से, रॉल्ड लॉ से रॉल्ड लॉ से, ठीक है, रॉल्ड लॉ से नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडल, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडल, ठीक है। दो तरह के लिक्विड हो गए ना इसके। अब ये वैल्यू जब बड़ी होती है तो कौन सा होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड लॉ, रॉल्ड लॉ से ऊपर नीचे वैल्यू होती है ना, रॉल्ड लॉ से ज़्यादा वैल्यू हो तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो तो नेगेटिव डेविएशन।
तो अब आएगी नेक्स्ट टर्म आपकी वॉल्यूम वाली, डेल वी की वैल्यू ज़ीरो। अब इसमें क्या होता है नॉन आइडल में, नॉन आइडल में होता है डेल वी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। अब डेल वी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो क्या होगी, या तो ज़ीरो से कम होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी, या तो ज़ीरो से कम होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी। तो जब ज़ीरो से ज़्यादा होती है, जब क्या होती है ज़ीरो से ज़्यादा होती है, डेल वी ऑफ सॉल्यूशन ज़ीरो से ज़्यादा होती है तो होते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड, और जब वॉल ये ज़ीरो से कम होती है तो नेगेटिवली डेविएशन होती है। तो ये नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन और ये पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडल सॉल्यूशन। डेल वी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती नॉन आइडल सॉल्यूशन में, आइडल सॉल्यूशन में ये ज़ीरो होती है। अब ज़ीरो नहीं होती, या तो ज़ीरो से कम होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है, या तो ज़ीरो से कम होगी या ज़ीरो से ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है, ए ए ये हमने देखा था ना, ए और ए, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ट्राई होगा। ए और बी, यहाँ पर भी देखिए ज़रा आप, सेम कॉन्सेप्ट ही आएगा आपका यहाँ पर, ए ए बी बी, क्या बना आपका ए बी। अब इसमें देखो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा था, नेगेटिव डेविएशन जब शो होती है